दोस्तों महेशी रेसिपी बनने वाली है आज 2 चम्मच तेल के साथ एक बहुत ही अनोखी और चटपटी रेसिपी, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और इसके साथ ही आपको जो इसका टेस्ट मिलेगा वो भी बहुत यूनिक मिलेगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो बच्चों की फेवरेट होती हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से अपनी ये यूनिक सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें, उससे आगे वीडियो बनाने का मन होता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस बहुत ही दमदार और खस्ता रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें ज़रूरत होगी मैदा की, और आप चाहें तो नॉर्मल गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 2 कप जितना आटा लिया, उसमें डाल दिया 1/2 चम्मच जितना नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन, जिसे क्रश करके डालेंगे। पहले एक बार मिक्स कर लिया और उसके बाद आप इस तरीके से इसमें एक होल कर ले, और इसमें हम डाल देते हैं 50 ग्राम जितना दूध, नॉर्मल दूध है, और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना विनेगर, और इसमें गया 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, साथ ही गया 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। बस इससे ज़्यादा इसमें आपको और कुछ नहीं डालना है। हल्के हाथों से मिक्स करें और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा ब्रेड क्रम जैसा हो जाएगा। तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, ना तो आपको ठंडा पानी लेना है ना गर्म पानी लेना है, और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कीजिए। इसमें आप पानी बहुत कम डालें, देखभाल कर डालें। आपका डो ना तो हार्ड होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। और ये देखिए हमारा डो लगकर तैयार है। इस समय इसे नहीं मसलेंगे, बस अच्छे से गीला कपड़ा कर लें और कवर करके रख दें। और जितने हमारा डो रेस्ट होता है, यानी कि 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट पर रखेंगे, और इतने ही हम इसके लिए एक बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल दिया 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। और गर्म ऑयल में आपको जीरा, अजवाइन, राई, हींग, करी पत्ता जैसा कुछ भी नहीं डालना है। उसमें डालिए 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे एकदम बारीक कट किया हुआ है, जिसे ही प्याज हल्का सा भुने आप डाल सकते हैं। उसमें 8 से 10 काजू, अगर आपको काजू पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए मैंने इसमें डाली 1 हरी मिर्च, जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, थोड़े से किशमिश के दाने। इसमें हल्का सा मीठा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, अगर आपको किशमिश पसंद नहीं है तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे हल्के से उबले हुए 1/2 कप जितने हरी मटर के दाने। दानों को हल्का सा उबाल लें, वरना आप इसमें भी हल्का सा गर्म करेंगे तो दाने पक जाएंगे। और उसके बाद मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, आलूओं को उबाल लिया है, छील लिया है। और इसके बाद बारी है मसाले डालने की। 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, 1 टीस्पून जितनी नॉर्मल लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, और खूब सारा डाल दिया हरा धनिया। और अब बारी है बढ़िया सा भूनने की। इसे 2 से 3 मिनट तक आप लगातार इस तरीके से भूनिए, जब मसालों की कोटिंग आलू पर अच्छे से हो जाए और हल्के से आलू क्रिस्पी लगने लगे। आप आलू को इस तरीके से तोड़ दीजिए, क्योंकि साबुत आलू तो हम स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। और मसाला वैसे तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन इसमें बच्चों की फेवरेट चीज़ डालेंगे, वो है फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून जितना ये टमाटो केचप। इससे बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसके साथ ही बच्चों का फेवरेट बना रहे हैं। तो आप इसमें डाल दीजिए 2 चीज़ क्यूब, और आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, आप चीज़ डालें या पनीर डालें। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है और कोई हर्ब है, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, वो भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो स्किप कर दीजिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए तो भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस इन चीज़ों को बढ़िया सा मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड से रखा, और इधर हमने जो आटा रखा था, यानी कि जो मैदा रखी थी, इसे देख लेते हैं। तो बस मैदा को काउंटर टॉप पर ले लिया, और अच्छे से बस हम इस तरीके से इसे मसल लेंगे। बस आप एक ही बात का ध्यान रखें कि आपको जो डो लगाना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। और इसके के लिए मैंने 4 इक्वल पार्ट्स, आप एक एक पेड़ा इस तरीके से लेते जाएंगे, थोड़ा सा घुमाकर गोल कर लेंगे। और घुमाने की जो टेक्निक है वो वही है कि अंदर की तरफ आप टक करते जाएँ और इसे राउंड करते जाएँ। इसमें आपको शेप बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बस रफली सा बस इस तरीके से इसे टक करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और ये मैंने लिया 2 टेबल स्पून जितना बटर, मैंने अमूल का बटर यूज़ किया है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा साल्टी होता है। अगर आप देसी घी यूज कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं,
पर उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लें, और जो हमने अभी ये पेड़े रखे थे इस तरीके से हम इन्हें पराठों की तरह से बड़ा बड़ा सा बेल कर तैयार कर लेंगे। और ये बिलकर तैयार हो गया है, तो अब हमने ये जो बटर लिया था इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप बटर लगाते जाएं, यानी कि आधा आधा चम्मच जितना लगेगा क्योंकि 2 टेबल स्पून बटर लिया है। और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा या सूखा मैदा इस तरीके से डस्ट कीजिए, और 1 बाय 1 आप इसे रखते जाइए। थोड़ा थोड़ा सा आप बटर लगाइए और थोड़ी थोड़ी सी सूखा मैदा लगाते जाइए। इससे फ्रेंड्स ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। और आपने देखा ना, ऑयल का यूज़ तो बहुत ही कम हुआ है लेकिन खस्ता इतना बनेगा हद से ज़्यादा। तो बस चारों को इस तरीके से उठाया और एकदम टाइट हाथ से हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से पेल कर बड़ा कर लिया। और अब बारी है इसमें से पेड़े कट करने के। फ्रेंड्स ये पेड़े तो नॉर्मल तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन जो इसे प्रेस करने का तरीका है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो बस आपने एक पेड़ा रखा, आप अगर इसे डायरेक्ट इस तरीके से दबा देंगे तो इसकी सारी लेयर बिखर जाएंगे। तो बस हथेली को इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा सा आप इसे दबा कर प्रेस करेंगे तो इसकी लेयर बहुत अच्छी रहेंगी। और ये पेड़े सूखे नहीं, इसलिए आप इसे गीले कपड़े से कवर ज़रूर करते हैं। और उसके बाद एक एक आप इस तरीके से ये जो पेड़ा बनाया था ये लेते जाएं, और जिसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे बेल कर तैयार कर लें। और थिकनेस आप देख सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल उतनी ही आपको रखनी है। और ये लीजिए हमारी कुछ पूड़ियाँ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। और अब बारी है फ्रेंड्स स्टफिंग करने की। तो बस खूब सारी स्टफिंग लें और अच्छे से आप इसे हल्का सा स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल बढ़िया सा सिक्योर कर दें, जिससे स्टफिंग किधर से भी निकले नहीं। और थोड़ी बहुत फ्रेंड्स स्टफिंग निकल भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। और ये लीजिए परफेक्ट हमारा इस तरीके से एक कचौड़ी जैसा बॉल बनकर तैयार हो गया है। और सेम प्रोसेस से हम ये सारे बॉल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स बॉल तो बनकर तैयार हो गए हैं, बस अब हम इस पर लगा देते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा लहसुन, जिससे देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और उसके साथ ही मैंने ले लिया है थोड़ी सी कलौंजी, और ये लिया थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है। तो बस ऐसे ही सबको तैयार कर लिया। अब बारी है फ्रेंड्स इसे पकाने की, और पकाने का तरीका बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो एक प्लेट में मैंने पानी ले लिया है, और जो पीछे की साइड है यानी कि जिधर हमने धनिया वगैरह नहीं लगाया है उसमें इस तरीके से हल्का सा हम इसे डिप करेंगे। और इधर मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है जिसे मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लिया है। और आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर काफ़ी गर्म है, मैंने थोड़ा सा पानी छिड़का, तुरंत ही भाप बन के उड़ गया है। और एकदम केयरफुली जिधर से आपने पानी लगाया था उस साइड से आप इस तरीके से इसे स्टिक कर दीजिए। बस हल्का सा एक बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पानी की वजह से, क्योंकि प्रेशर कुकर गर्म है, ये आराम से चिपक जाएगा। और जितने एक बार में आप इस पर ईजीली चिपका पाए उतने चिपकाने, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ें क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है फ्रेंड्स, उसकी वजह से ये थोड़ा सा फूलेगा। और अब बारी है पकाने के, करीब 40 से 45 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पर पककर तैयार हो जाएंगे। लेकिन बार बार इसे हटाने की गलती ना करें, क्योंकि क्या होता है जब बार बार हटाते रहते हैं तो इसमें से हीट निकल जाती है और पकने में ज़्यादा समय लगता है। और ये देखिए करीब 40 मिनट हो चुके हैं, और वह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, ऊपर से लेयर जो है काफ़ी क्रिस्पी सी हो गई है। तो चलिए बस अब इस तरीके से हम इसे छुटा लेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। और जैसे ये थोड़े से ठंडे होंगे ना फ्रेंड्स, इन पर कलर और भी बढ़िया आएगा, जैसे कि नॉर्मली बिस्कुट के साथ होता है। और आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, उसमें करीब आप इसे 15 से 20 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे बेक कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स एकदम नए तरीके के और बहुत ही टेस्टी। अब देखिए फ्रेंड्स कलर कितना बढ़िया हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि खस्ता कितने बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और एक बार तो इस तरीके से जरूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे भी बताएंगे रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।